नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। जब मैं स्कूल में थी, काफी छोटी, तब अपने भारी कंधों पर ये किताबों का बोझ डालकर रोज स्कूल जाया करती थी। मेरे स्कूल में, बल्कि ज्यादातर स्कूलों में ही 8 पीरियड होते थे। उन 8 पीरियडों की 8 किताबें, 8 किताबों के साथ 8 कॉपियां और इनके साथ 8 वर्कबुक, डायरी और साथ में लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और पेंसिल बॉक्स भी तो होता था। खुद का वजन जितना होता है उसका आधा वजन तो बैग में ही होता था। आपके बच्चों को भी ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, पर अब शायद नहीं होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फर्स्ट से टेंथ क्लास तक के लिए बच्चों के स्कूल बैग के वजन को निर्धारित कर दिया है। बच्चों के होमवर्क को लेकर भी नियम बना दिए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी करते हुए स्कूल बैग के वजन व पाठ्यक्रम को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों को कहा है कि अब बच्चों के बैग का वजन वही होगा जो मिनिस्ट्री की ओर से तय किया जाएगा। पर यहां मैंने शायद भी कहा है, वो इसलिए क्योंकि पहले भी ऐसी बातें सामने आ चुकी हैं जिनमें यह कहा गया कि अब इस हिसाब से बैगों का वजन निर्धारित किया जाएगा। मैं सीबीएसई की बात कर रही हूं। क्या है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया प्रावधान, वो आपको बता देते हैं। दरअसल पहली और दूसरी कक्षा के लिए 1.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए बैग का, तीसरी से पांचवी तक के लिए 2 किलो 300 ग्राम, छठी से सातवीं के बच्चों के लिए 4 किलोग्राम का वजन बैग का होना चाहिए, वहीं आठवीं से नौवीं क्लास तक के बच्चों के लिए 4.5 किलोग्राम चाहिए, वहीं दसवीं क्लास के लिए 5 किलोग्राम तक का वजन निर्धारित किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा। इससे पहले वजन की कोई सीमा नहीं थी और अब साफ तौर पर सीमा, समय और सीमा तय हो चुकी है कि पहली दूसरी 1.5 किलो, तीसरी पांचवीं 2 किलो के आसपास, छठी सातवीं 4, आठवीं नौवीं 4.5, दसवीं 5 किलो, तो ये निर्धारित हो चुका है। भाई, भारी बैग से क्या क्या परेशानियां बच्चे को होती थी और आगे हो सकती हैं। बैग में वजन ज्यादा होने के कारण बच्चों के कमर, गर्दन और कंधों पर दर्द हो सकता था, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता था और साथ ही साथ चलने में भी दिक्कत होती थी और अक्सर बच्चे इतना भारी बैग अपने कंधों पर डालकर गिर जाया करते हैं। साथ ही भारी बैग में हो सकती है ये परेशानी, अभी हाथों में झुनझुनी आना, सुन हो जाना और कमजोरी आ जाना, ये बड़ी बात है। आपका बच्चा जब घर लौटता है तो वो बहुत ज्यादा थक जाता है। दोपहर में घर लौटते वक्त भारी बैग कंधों पर डालना, वो भी कमजोरी का एक बड़ा कारण है। लंबे समय में होने वाले नुकसान, थकान और गलत पोस्चर विकसित होना, यानी कुछ समय बाद जब बच्चा बचपन से लेकर बड़े होने तक बैग कंधों पर रखता है तो कहीं ना कहीं गर्दन और कंधे मुड़ जाते हैं। गर्दन और कंधों में तनाव के कारण सिर दर्द होता है। अक्सर छोटे बच्चों में शिकायत होती है कि उनका सर दर्द हो रहा है, जिसका बड़ा कारण आपका बच्चा जो भारी बैग अपने कंधों पर डालकर जाता है वो हो सकता है। बैग टांगे रहने से वन साइडेड पेन शुरू हो जाता है, एक तरफा दर्द, यानी इस कंधे में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो वो यूजुअली जो शिकायत बच्चे करते हैं वो बहाना नहीं होता, वो वाकई हो सकता है। तो इसी के साथ हमारे कुछ बड़े सवाल भी हैं जो आज इस पर खड़े होते हैं। गुलिस्तान न्यूज के बड़े सवाल, क्या अब बच्चों के नाजुक कंधों से कम होगा बस्ते का बोझ? एक तरफ खुशी है इस बात की तो कहीं ना कहीं आशंका बार बार बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी सीबीएसई ऐसे निर्देश दे चुका है अपनी तरफ से, पर जमीनी स्तर पर जो होता है वो हम सब जानते हैं। सीबीएसई द्वारा भी पहले आदेश दिए गए थे, पर जमीन पर कुछ क्यों नहीं बदला? जब सीबीएसई पहले से ही निर्धारित कर चुका था अपनी तरफ से कि बैग का वजन क्या होगा और कम से कम किताबें लेके आनी है, फिर भी हाल बेहाल क्यों? अगर सरकार के आदेशों का जमीन पर पालन नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल। कैसे देखेंगे कि जो अब निर्धारित किया गया है वो पूरा होगा और साथ ही साथ आगे ये इसी तरीके से बना रहेगा? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमन शर्मा, आईटीआई एक्टिविस्ट, और मेहराजुद्दीन जरगार, रिप्रेजेंटेटिव हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल भी जो था, मैं सबसे पहला सवाल रमन शर्मा आपसे पूछूंगी कि आरटीआई, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो बेहतर बता पाएंगे, अगर आगे दिक्कत आती है और इस बात का प्रावधान भी सामने आ गया तो ये तय कैसे किया जाएगा कि ये चीज, इसका पालन हो?
देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कहूंगा, ये बड़ी अच्छी एक बात है, मुबारकबाद है कि ये जी जो बैग्स का बोझ कम किया गया है। और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि नन्हे कंधों के ऊपर अपने हमने सामाजिक पूरी जिम्मेवारी उन बच्चों के कंधों के ऊपर डाल दी थी। देखिए, सरकार जो है वो सिर्फ कानून बना सकती है, आदेश जारी कर सकती है, उसका अनुपालन करवाना सिर्फ टीचर्स का और स्कूल्स की जिम्मेवारी नहीं है, केवल माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं है। समाज को भी ये समझना चाहिए, जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य है। उनके ऊपर अगर कोई भी एक किस्म की आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, चाइल्ड राइट्स वायलेशन भी है, और अब जो सरकार ने आदेश निकाला है इसका अनुपालन जो है सभी को मिलकर करना पड़ेगा। सरकारी आदेश से सिर्फ जो है कोई काम होने वाला नहीं है, पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कहां पर इन रूल्स की इन वायलेशन हो रही है। और बार बार मीडिया का भी एक बड़ा अहम रोल इसमें रहेगा, बार बार चेताना पड़ेगा कि ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य है, ये कोई टॉयज नहीं है, ये प्लास्टिक के टॉयज नहीं है कि जिनके साथ हम खेल सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखें कि माँ बाप को भी बड़ी आशाएं होती है अपने बच्चों से, और वो ऐसी अभिलाषा कर लेते हैं जो बच्चे शायद कभी पूरी ना भी कर पाते हो, तो फिर उनका जो आप कह सकते हैं आसार जो होते हैं, उनका जो निष्कर्ष होता है, वो बच्चों की जिंदगी जो है वो कई बार एक्सट्रीम कदम भी ले लेते हैं बच्चे। और ये बैग की तो ये बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हमारे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार का जो आदेश जो है, सरकार ने अपना काम किया है, अब ये समाज की जिम्मेवारी होनी चाहिए कलेक्टिव, सिर्फ टीचर्स की, स्कूल्स की या पेरेंट्स की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी बनती है। आपसे ये कि अक्सर स्कूल में अब तक भी ये होता है कि टीचर्स साफ तौर पर कहती है कि एक सब्जेक्ट के दो सब सब्जेक्ट भी होते हैं, जैसे अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें लैंग्वेज और लिटरेचर होता है, तो उस हिसाब से एक बुक, दो बुक, दो कॉपियां और साथ में उनके वर्कबुक भी। तो ऐसे में क्या किया जाएगा आगे, क्योंकि बार बार टीचर्स कहती हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स लेकर आने हैं, वो बाद में डिसाइड किया जाएगा क्या पढ़ाना है। इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं, तो मैं इस एमआरडी के जो 65 ऑर्डर करिकुलर सर्कुलर निकला है उसके बारे में बात करूंगा कि ये मैं समझता हूं कि दिस इज अगेन इल लक दैट वेल दे हैव क्वांटिफाइड द वेट ऑफ द स्कूल बैग। उन्होंने स्कूल बैग का वजन मुतय्यन किया है, उसको फिक्स किया है। नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कि किस तरह से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि पहली और दूसरी जमात के बैग का वजन 1.5 किलो होना चाहिए। अब अगर आप 1.5 किलो कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका तो जो लंच है, टिफिन कैरियर है, तो उसमें वो आता है तो उसका भी कोई 0.5 किलो होता है, और उसकी जो वाटर बोतल है तो कम से कम उसकी तो 1 लीटर पानी तो लेना ही लेना है। सो इट विल कम टू ऑलमोस्ट 2.5 kg और इवन समटाइम्स इवन मोर देन 3 kg वेट। असल में मैं बताऊंगा कि ये गड़बड़ कहाँ हुई है, कि खराबी कहाँ हुई है। खराबी यहाँ है कि प्रोबेबली हमें अभी हमने ये नहीं समझा है कि करिकुलम क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है और सिलेबस क्या है। और हमारी ये है कि मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो आजकल के वालदैन हैं, वो बच्चे का जो मुस्तकबिल है उसकी चिंता में ज्यादा लगे हैं और उसका हाल खराब कर रहे हैं। अभी कल की फिक्र कर रहे हैं और आज उसका हाल जो है, जो प्रेजेंट है, उसका खराब कर रहे हैं। तो किताबों का वजन है तो उसका हम क्वांटिफाई नहीं करेंगे। आप बच्चे को तो ठीक है, जैसे इनकी जो इसी ऑर्डर में जो आया है कि पहली चीज है कि होमवर्क शुड नॉट बी असाइंड एट ऑल एट एनी कॉस्ट। जो घर के लिए स्कूल काम दिया जाता है तो उस पर बैन लगी है, तो नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के बगैर फर्स्ट और सेकंड में और कुछ नहीं होना चाहिए, और ईवीएस थर्ड से फिफ्थ तक होना चाहिए। तो ये ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि जहां तक मैथमेटिक्स और लैंग्वेज का ताल्लुक है, फर्स्ट और सेकंड के लिए इवन अप टू थर्ड आई फील दैट वेल इफ अ चाइल्ड इज प्रेटी गुड इन लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स आई एम श्योर दैट ही विल एक्सेल। लेकिन हमारे वालदैन भी, जो हमारे पेरेंट्स आजकल है, उनका भी ये वो इसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि इसके बच्चे के बैग के वजन को बढ़ाने के लिए। एक तो ये कि शायद सातिजा जो है वो इसमें उतना उनका अहम रोल नहीं है जितना के पेरेंट्स का है। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे रातों रात बिल्कुल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट या एक बहुत बड़ा फिलोसोफर बन जाए,
और पेरेंट्स इसे बेखबर है, पेरेंट्स को ये एहसास नहीं है कि बच्चे को सीखने की एक अपनी रफ्तार है, एक अपना एक अंदाज है, और हम चाहते हैं कि अगर बच्चे की रफ्तार है 1 किलोमीटर 1 आवर के चलने पे, तो हम चाहते हैं कि नहीं ये सुपरसोनिक स्पीड चल चले। और यही वजह है कि किताबें भी ज्यादा आ गई और वर्कलोड भी बढ़ गया, और इसके साथ बच्चे का जो हमारा भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, उसकी सेहत खराब होने लगी और हम घबराने लगे हैं कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे जो फ्यूचर है, वो बहुत डार्क होने जा रहा है। जिस तरीके से महराज जी ने भी बताया इसमें कि ये जो सिलेबस और जो प्रावधान है, ये तो बात ठीक है कि जी प्रिस्क्राइब कर दिया है कि 1.5 किलो ही वजन होना चाहिए, इसमें तो वाटर बॉटल और लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स का ही वजन 1.5 किलो हो जाता है, इस बात का ध्यान कहां क्यों नहीं रखा गया? देखिए मैं आपको कहना चाहूं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बैग का वजन कितना होगा या कितना नहीं होगा, मुझे लगता है कि अब आज के दौर में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है उसकी मदद भी हमें लेनी चाहिए। और दूसरा एक अहम पहलू है शायद जिसको हमने इग्नोर किया है, वो ये है कि कुछ स्कूल्स, मैं किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूं रैंडमली, कुछ प्राइवेट स्कूल्स जो है वो जानबूझकर ही ऐसी किताबें बच्चों को दे दी जाती हैं, वो देते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कमर्शियल अपने पैसे कमाने के लिए, जिनकी बच्चों को बिल्कुल जरूरत नहीं होती। तो उस पहलू को भी देखने की एक बड़ी ज्यादा जरूरत है, और हमें यह भी देखना पड़ेगा, जैसे हमने कहा कि पानी की बॉटल्स बच्चों को दी जा रही हैं, बच्चों के पास बैग है, तो क्या हम बैग का जो वजन है, बैग का मैं आपको बता रहा हूं, तो क्या साइंटिफिकली हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक स्पेशल कपड़े से अगर उनका बैग बने और उस बैग का वेट कम हो, पानी हम उनको एक लिमिटेड, या उसमें पानी इसकी सुविधा उपलब्ध क्यों ना हो कि बच्चों को घर से पानी लेकर जाना ही ना पड़े। तो ये काफी चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेगी एक समाज होने के नाते। देखिए सिर्फ पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि दोष भी नहीं हम दे सकते, सिर्फ टीचर्स को दोष नहीं दे सकते, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। सरकार ने कुछ थोड़ा सा कदम उठाया है, लेकिन काफी लंबी दूरी तक अभी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो ठीक है पर प्रैक्टिकल नहीं लगी, क्या कहेंगे महराज जी? बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि जो ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड अच्छी तरह से नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि बच्चों को किताबें ही मत दे दो, और देखो जितना आप किताबें दोगे उतना ही उसका उतरा चढ़ा लगेगा सुबह, और उतना ही वो रोते रोते सुबह स्कूल आएगा। मैं चाहता हूं कि बच्चा बिल्कुल हंसी के साथ, खुशी के साथ उछलते कूदते स्कूल आए, और ये स्कूल बैग अप टू 3rd और 4th उसके पास बिल्कुल हो ही ना, तो ये जो किताबों का एक सेट स्कूल में रखे, एक सेट घर पे रखे, और बिल्कुल हैप्पी गो लकी मी की तरह आए स्कूल और जाए स्कूल से। और अब जब आप क्वांटिफाई कर रहे हो, ये तयन कर रहे हो कि नहीं स्कूल का बैग का वजन 1.5 किलो होना चाहिए, से भी ताल्लुक रखते हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं, तो रमन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए वहाँ कहीं ना कहीं प्राइवेट किताबों को बढ़ावा दिया जाता है पर्सनल प्रॉफिट के लिए, बिजनेस। बिल्कुल, अभी भी जो बात कही जा रही है कि अभी भी जो कहा जा रहा है कि 2 सेट्स किताबों के होंगे, देखिए मुमकिन है, भारत में अगर आप पर कैपिटा इनकम देखें, बड़ी मुश्किल से हम हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ा पाते हैं, और 2 सेट्स किताबों के, ये बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, ये भी तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है ना। आप देखिए हम शहर में कहीं किसी स्कूल की बात करें, आपने 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 मेरे नहीं मेरे मेरे 2 सेट वाले किताब, जहां तक देखो, जहां तक पब्लिक सेक्टर का ताल्लुक है, पब्लिक सेक्टर में तो हम बच्चों को किताबें यहाँ से देते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में हम किताबें बच्चों को यहाँ से देते हैं, और वो उन किताबों को घर पे रखे, और जो हमारे स्कूल में किताबें हैं, जो हमारे टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, दे विल मेक यूज ऑफ दोज बुक्स और चिल्ड्रन, एंड वी डोंट इवन प्रिस्क्राइब द होमवर्क। और जहां तक मुझे नहीं पता है कि प्राइवेट स्कूल्स के बारे में एक माइंड सेट चला है कि इट्स एक्सक्लूसिवली द प्रॉफिटेबल, इट्स अ प्रॉफिट ओरिएंटेड वेंचर, जबकि हम एक प्राइवेट स्कूल सेक्टर एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। थोड़ी सी माइंड सेट चेंज करने की कोशिश है कि देखो मैं अपने आजकल जो हमारे यहाँ स्कूल चल रहे हैं, मैक्सिमम स्कूल आजकल नेट पे होमवर्क देते हैं, नेट पे असाइनमेंट देते हैं और घर पे काम करते हैं, और मेरा यही है कि मतलब किताबें बिल्कुल हो ही नहीं। ये है कि जो एमएचआरडी ने स्कूल सर्कुलर 65 निकाला है, मैं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें आप क्वांटिफाई मार्क कीजिए कि 1.5 किलो होना चाहिए, 2 किलो होने चाहिए, ठीक है? ये बिल्कुल अगर विदेशी कंट्रीज को देखते हैं, विदेश को देखते हैं, तो वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में किताबें ले जाते ही नहीं, क्योंकि उनकी डेस्क पर ही वो टेक्नोलॉजी, वो इंतजाम होते हैं कि जो वो घर पे जाके किताबें पढ़ेंगे वो उनकी डेस्क पर आता रहे, जैसे
अगर क्लास टीचर भी पढ़ा रही है तो उनकी डेस्क पर वो सारा सिलेबस आता रहता है, तो किताब लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ऐसे में वो टेक्नोलॉजी भारत में लाना और उसके बाद अगर ये चीज कही जाती तो कहीं ना कहीं समझ में आती, पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं देखिए, मुश्किल तो बिल्कुल है, ये एक पहला सिर्फ कदम था, क्योंकि देखिए शुरू ये कहाँ से हुआ, देखिए बच्चों को ऑर्थो की आज प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को जगह हम इतना भारी बरकम बैग दे रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब हम अपने छोटे भाई बहन या छोटे बच्चों का बैग उठाते हैं जो फिफ्थ या सिक्स क्लास में पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए कि हम उस बैग को नहीं उठा सकते। अगर आपने भी कभी उठाया होगा जरूर, तो आप देखिए कितना भारी बैग होता है, और उस भारी बैग को लेकर फिर वो हमारे यहाँ पर लोकल अगर मेट्रोज में बच्चे कहीं जा रहे हैं या स्कूल वैन में जा रहे हैं तो बड़ी मुश्किल वो जाते हैं। और लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि दो सेट्स की जो बात ने कही वो पॉसिबल नहीं है, और दूसरा कहीं भी आरोप नहीं लगा रहे हम प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर या प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। इनफैक्ट समाज के लोग जो हैं आज बड़ा धन्यवाद करते प्राइवेट सेक्टर का कि उनकी वजह से ही सरकारी स्कूल शायद इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे, हालांकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसे जो है ज्यादा लगते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है और बिल्कुल ये सारे लोग करते हैं समाज के। जब आपने स्मार्ट क्लास की बात की है तो स्मार्ट क्लास पे आपको सब कुछ अवेलेबल है, आपका टेक्स्ट बुक वहाँ है, सब कुछ है। एंड देन व्हाट्स रिक्वायर्ड, यू नीड टू एंगेज द स्टूडेंट देयर विजुअली एंड देन इज हियरिंग। तो जब आपका स्मार्ट क्लास है तो स्मार्ट क्लास पे तो टेक्स्ट बुक की जरूरत ही नहीं है। और इसमें मैं बताऊंगा जो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, बच्चे के नहीं गवर्नमेंट के हुआ ना, अगर सरकार गवर्नमेंट का पहुंच नहीं पा रही। हालांकि दिल्ली में ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहां पर स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल कराए गए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, पर आप सोचिए जम्मू कश्मीर में ही कितने स्कूल हैं जहां सिर्फ प्राइवेट स्कूल में हम बेहतर एजुकेशन मान लेते हैं होंगी, पर जो मिडिल में होंगे या उनसे नीचे होंगे उनकी तो हालत एकदम खराब है। नहीं मेरा माय कंटेंशन है, हां जी मेरा जी बोलिए, जब आप कहते हो कि हमारा इंटेंशन है टू सेफगार्ड द चाइल्ड एंड टू हेल्प द चाइल्ड इन लेसनिंग द बर्डन एंड गोइंग टू द स्कूल, जब आप इसको, मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इसको क्वांटिफाई कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम को भले आपसे थोड़ा इसमें आप ईज कर रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। व्हेन यू क्वांटिफाई दैट 1.5 kg, 2 kg, 3 kg एंड 4 kg, सो इट मीन्स दैट वेल यू आर जस्ट मेंटेनिंग अ स्लैब। और ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं कि वो ऐसे ही सुबह बगैर किसी कुछ खाए पिए आते हैं और उन्होंने कुछ नाश्ता भी नहीं लिया होता है तो स्कूल का बैग अपने हाथ में लिए भागे जा रहे हैं। मेरे कहने का मुद्दा ये है कि प्लीज डू नॉट क्वांटिफाई द वॉल्यूम ऑफ द स्कूल बैग। हाँ ये है कि आप कहे कि जस्ट ओवरऑल गाइडेंस दीजिए कि ये की जैसे इसमें आया है कि नो होमवर्क टू बी असाइंड, इट्स अ वेरी गुड साइन। जो 8 पीरियड पूरे दिन लगते हैं, 8 पीरियड यूजुअली होते हैं, 8 से 9 पीरियड लगा लीजिए, उनको छोटा नहीं किया जा सकता। बजाय 8 सब्जेक्ट पढ़ने के दिन भर में 5 पढ़ लिए जाए, 4 पढ़ लिए जाए। कहाँ आप, नहीं जहाँ तक सो फार एज आई हैव अंडरस्टूड सिस्टम, जो हमारी नर्सरी क्लासेस है, जो हमारा एलकेजी यूकेजी है या जो फर्स्ट है, उसमें 8 क्लासेस होते नहीं है। अगर हमारा मेजर थ्रस्ट जो है, हमारा मेजर थ्रस्ट है एक तो मैथमेटिक्स पे और एक लैंग्वेज पे। हाँ, और मैं कहता हूँ कि एक तो मेजर थ्रस्ट है मॉरल एजुकेशन पे, तो फिर आगे जाके हम उनको म्यूजिक क्लास दे रहे हैं, हम उनको पेंटिंग दे रहे हैं, हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए फील्ड में लेते हैं। तो जहां तक करिकुलम का ताल्लुक है, जहां तक सब्जेक्ट पढ़ाने का ताल्लुक है, हम पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स एंड देन लैंग्वेज। अब यह है कि लैंग्वेज में भी देखिए, लैंग्वेज वी हैव थ्री लैंग्वेज फार्मूला, दैट इज मदर टंग इज टू बी टॉट, एंड उसके बाद जो हमारी हिंदी है तो वो पढ़ानी है, उसके बाद जो अंग्रेजी है वो पढ़ानी है। सो आप कहेंगे कि लैंग्वेज, इट्स व्हेन यू से दैट ओनली लैंग्वेज, इट्स नॉट लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेजेस जी। और आपको फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज, और आप कह रहे हो कि 8 पीरियड है, मैं कहता हूं कि हम इन लैंग्वेजेस को वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस प्लस मैथमेटिक्स एंड देन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट पास हो गया है। तो क्या तरीके अपनाने चाहिए स्कूल्स को कि ये भी पूरा किया जाए,
और साथ ही साथ बाकी चीज भी हो जाए। जी ये एक बड़ी देखिए बड़ी बड़ी अच्छी चीज है कि हम नन्हे कंधों के ऊपर जो हम चाहते हैं, जो पेरेंट्स चाहते हैं या समाज जो चाहता है कि बच्चे हमारे बने, तो उनका बोझ हम बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते। बिल्कुल स्नेह हमारे हम सबके होते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा बने, लेकिन उनके ऊपर बोझ नहीं डाल सकते। उनको आर्थोस की प्रॉब्लम हम नहीं दे सकते कि वो बीमार हो जाए आने वाले वक्त में, उनका जो उनको आए, लेकिन हमें कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं वो देखनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ ये तो एक पहला कदम था, इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों की सुरक्षा जो स्कूल्स में कैसी हो। हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो एक बड़ी अहम चीज है मेट्रो सिटीज में खासकर या सब अर्बन या अर्बन एरियाज में, हम बार बार मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं, एक बार के लिए ये जो सर्कुलर है प्राइवेट स्कूल में लगा लीजिए कि पूरा हो जाएगा कि एक सेट, क्योंकि अफोर्ड कर सकते हैं, किताब का एक सेट स्कूल में रख दिया, किताब का एक सेट घर पे रख दिया, तो यहाँ बोझ कम हो सकता है। पर उन स्कूलों की बात की जाए जो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते, उनका क्या होगा, वो कैसे पढ़ेंगे, और ऊपर से फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को होमवर्क भी नहीं मिलेगा। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब आप जी महाराज जी प्लीज सर, नहीं मैं कह रहा हूँ कि मतलब बच्चों को स्कूल उसमें हम बच्चों को किताब लानी नहीं है स्कूल, हमारे साथीसाथ जो है टीचर्स है उनके पास है, हमारा स्मार्ट क्लास है, एवरीथिंग इज देयर। सो जब मैंने कहा दो सेट्स होने चाहिए, दो वन फॉर द टीचर वन फॉर द चाइल्ड एट स्कूल एट होम, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि MHRD हैट्स ऑफ टू दोज हू हैव डन इट, बट आई फील दैट वेल दे हैव नॉट, इट्स नॉट बीन डन आफ्टर प्रॉपरली अप्लाइंग द माइंड एंड कीपिंग द चाइल्ड इन व्यू। हाँ ये ठीक है, जो इसमें और शक है, जो इसमें और मुद्दाएं हैं और आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट थिंग दैट डोंट असाइन एनी, कोई होमवर्क नहीं जाएगा स्कूल से, या इसमें यह है कि आप जो सेकंड और थर्ड है उसमें आप लैंग्वेज पढ़ाइए करिए। रमन जी अब प्राइवेट स्कूल से उम्मीद, देखो हमने तो स्कूल से कैसे जी, आप जैसे लर्न्ड लोग जो है सर, नहीं मैं देखो मैं कहूंगा कि अगर आगाज में ही इन द बिगिनिंग वी अप्लाई अवर माइंड इन अ वेरी प्रॉपर वे देन थिंग्स विल बिकम इजी, व्हेन द वेरी फर्स्ट स्टेपिंग स्टेप इज रॉन्ग। आई फील हमारे सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ सिलेबस इतना ज्यादा है जिसे पूरे करने की दौड़ में, चीज कहना चाहूंगा जिसे पूरा करने की दौड़ में कहीं ना कहीं मजबूर है। हाँ ये भी सही है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुद्दा था बच्चों के बैग्स का बोझ कम करने का, ये काफी देर से यहाँ पर था, आज सरकार ने अगर एक कदम बिल्कुल है तो मुझे लगता है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आने वाले वक्त में ये तय हो सकेगा कि दबाव है, क्योंकि सिलेबस हमारे देश में इतना है पढ़ने के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी होती है, थ्योरी इतना होता है। बिल्कुल है, सही बिल्कुल है। क्या ये एक दबाव है टीचर? मैं आपको बताता हूँ एब्सोल्युटली उन चीजों की तरफ भी डेफिनेटली ये तो है ही। मैं आपको बताऊंगा कि देखो असल में प्रोबेबली हमने ये समझा नहीं है कि असल में करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है और टेक्स्ट बुक क्या है। ठीक है, आप क्या कहेंगे रमन जी इस पर? मैं आपको बताऊंगा, जस्ट नहीं देखिए मैं सर से ये कहूंगा कि सर ये जो मुद्दा है रातों रात तो आया नहीं, हम पिछले एक डेढ़ दशक से देख रहे हैं कि ये जो बोझ था बच्चों के ऊपर पड़ता जा रहा, तो ठीक है, समय की कमी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेराजुद्दीन जरगार रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े थे और रमन शर्मा RTI एक्टिविस्ट, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो यहां पर बात मैं यही करूंगी, HRD की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो गए पर जमीनी स्तर पर ये कितने इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि एक बार फिर हमारे स्कूल हमारी जो सिस्टम है इसमें एजुकेशन सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। थ्योरी करने के लिए इतनी होती है और प्रैक्टिकल हम इतना रहते हैं, जब थ्योरी इतना ज्यादा है तो किताब भी लाजिम है कि स्कूल में लेकर जानी पड़ेगी और टीचर्स पर भी प्रेशर उतना बढ़ता ही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ।